नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं HP24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। बाबा रामदेव सेवक टिकौन धाम वाली गुरुजी का मंडावर में किया भव्य स्वागत सम्मान। आपको बता दें कि राजगढ़ जिले के ग्राम मंडावर के पूर्व जिला पंचायत सदस्य व मंडावर के वरिष्ठ व्यापारी विष्णु प्रसाद करोड़िया के निवास पर सोमवार को मध्य प्रदेश के आगर जिले के नलखेड़ा तहसील के प्रसिद्ध धार्मिक एवं बाबा रामदेव मंदिर टिकौन धाम के सेवक शिव नारायण आचार्य भोपाल जाते समय ग्राम मंडावर में विष्णु प्रसाद करोड़िया के निवास पर स्वागत सम्मान रखा गया। इस दौरान बाबा रामदेव के सेवक आचार्य शिव नारायण पाटीदार ने बताया कि मानव जीवन में हमें हमेशा हर पीड़ित और गरीब व्यक्ति की सेवा करना चाहिए। मानव जीवन अपने को मिला है तो इसका सही उपयोग करें। साथ ही इस मौके पर मौजूद भक्तों की अर्जी भी सुनी और कहा कि भगवान की भावना भक्ति करते रहें और सुखी रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें और अपने दैनिक जीवन में हमेशा तरक्की करें। यही सभी भक्तों पर प्रभु की कृपा बनी रहे। साथ ही कहा कि देश भर में गाँव गाँव लोगों द्वारा बाबा रामदेव के आने जाने वाले लोगों के लिए ग्रामीणों द्वारा जो भंडारे चलाए जा रहे हैं उन्हें उनके परिवार पर भगवान की हमेशा कृपा बनी रहे। इस मौके पर लक्ष्मी नारायण करोड़िया, विष्णु प्रसाद करोड़िया, अखिल भारतीय चंद्रवंशी, खाती समाज के जिलाध्यक्ष कन्हैया लाल मंडलोई, पाटीदार समाज के जिलाध्यक्ष गोविंद पाटीदार, होकम सिंह यादव, वीरेंद्र सिंह रुहेला, होकम सिंह पटेल, पंडित विनोद शर्मा, लक्ष्मी नारायण मैकेनिक मौजूद थे। देखिए पूरी खबर मंडावर से हुकम प्रजापति की रिपोर्ट। तो यही कहना चाहेंगे, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने दैनिक कार्य करते रहें, प्रभु का नाम लेते रहें। जगह जगह देश भर में बाबा रामदेव जी का भंडारा चल रहा है, इन सदनों के क्या कहना चाहेंगे? इनके यह है कि इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, इनकी आत्मलगन बढ़ती है और कुछ घर गाँव के विकार दूर होते हैं और सब में एक संगठन शक्ति होती है और एकता का भाव दिखता है। टिकौन धाम में कब कब धाम चलती है? टिकौन धाम में गुरुवार और शनिवार को धाम लगती है और 10 बजे से 3 बजे तक।